हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा उर्दू ग्रामर का 3.2 वीडियो है। इसमें हम कुछ और एराब या फिर कुछ हरूफ देखेंगे जिसके लगाने से उनकी आवाज़ें और उनके पढ़ने के तरीके चेंज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन 3.2। सबसे पहला हमारे पास जो है आज वो है वाव मारूफ। तो वाव मारूफ ये होता है जिस वाव की आवाज़ लंबी खींच कर पढ़ी जाती है। यानी वाव भी अलग अलग किस्म के होते हैं और ये बहुत ही बुनियादी ग्रामर है। यानी आप अगर इनको अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप उर्दू ग्रामर आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। जैसे जिस वाव की आवाज़ लंबी खींच कर पढ़ी जाती है वाव मारूफ कहते हैं। यानी जिसमें वाव हम खींच कर पढ़ते हैं, वाव मारूफ को जाहिर करने के लिए उस पर उल्टा पेश लगा देते हैं। यानी यहाँ पर नीचे देखिए, सब ये वाव मारूफ इसमें है तो इसमें पेश जो है वो उल्टा है। जैसे ऊन, यहाँ पर देखिए ये वाव जो है इसकी आवाज लम रही है ऊन। यहाँ पर दूर, यहाँ पर नूर। तो ये देखिए यहाँ पर वाव की आवाज़ जो है तो बहुत ज़्यादा लम रही है। उसके बाद में खूब, खून, जूता, डाकू। उसके बाद तराजू। तो यहाँ पर देखिए सब में हम आवाज़ महसूस कर सकते हैं कि वाव की आवाज़ बहुत ज़्यादा इसमें लम रही है, इसे ही वाव मारूफ कहते हैं। दूसरा है वाव मजूल। जो वाव की आवाज़ खींचकर नहीं पढ़ी जाती उसे वाव मजूल कहते हैं। जैसे मोर, इसमें मोर नहीं है, ये है मोर। चोर, रोज, नोट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाव की आवाज़ बहुत ही कम है, इसको ज़्यादा लमा कर नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये वाव मजूल है। जोड़, डोल, धोखा, तोता, इसमें वाव नहीं, यानी इसकी आवाज़ हमने नहीं लमाई है। उसके बाद में है तीसरा, इसमें वाव मादुला। तो इसमें इस वाव को जो लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। अब ये वाव हमने एक को देखे कि खींच कर पढ़ी जाती है, एक उसकी आवाज़ बहुत ही शॉर्ट होती है, तीसरी है जिस वाव को हम नहीं पढ़ते हैं उसे वाव मादुला कहते हैं। वाव मादुला से पहले हमेशा खै आता है, ठीक है, इसके पहले हमेशा खै आता है। पहचान के लिए वाव मादुला के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है वाव को, जो छोटी सी लकीर बना दी जाती है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है ये वाव मादुला की पहचान है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे खुश, खुश, इसमें वाव एकदम नई के बराबर है, आप देखो इसमें एकदम गायब हो गया खुश। ये ख्वाब, ख्वाब, खाजा, ये देखिए आप खाजा, खुशबू, ख्वाहिश, खुराक और दरख्वास्त। आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें वाव एकदम से गायब हो गया, यानी साइलेंट जैसा है, बहुत ही बारीक आवाज़ है। तो ये है वाव मादुला, वो ये ऊपर अपने वाव मजूल पढ़ लिए। और आखिरी इसमें है वाव अत्फ। ये इसमें दो लफ्ज़ों के जोड़ने वाली वाव को वाव वे अत्फ कहते हैं। यानी ये दो लफ्ज़ों को ऐसे जोड़ती है कि इसमें आवाज़ वाव की एकदम मिक्स हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है इल्म, इल्म वो फ़न नहीं बोलते हम, इल्म वो फ़न। अगर हम इनको अलग अलग पढ़े इल्म वो फ़न तो ये गलत हो जाएगा, हम इसको पढ़ते हैं इल्म वो फ़न। आब वो हवा नहीं है, ये आबो हवा। यानी वाव ऐसे जोड़ रहा है दोनों को कि एकदम मिक्स कर दे रहा है। सुबह और शाम, सुबह शाम, खास व आम। उसके बाद में इश्क, ऐश व इशरत। उसके बाद में तख्त व ताज। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम वाव एकदम दोनों को मिला दे रहा है। लेकिन इसका जो अलग है दूसरा, वह है वाव से पहले अगर हुर्फ़ लत, हाय, मख्तफी और नून गुन्ना हो तो वाव मुकम्मल और आज़ादाना तौर पर पढ़ा जाता है। यानी अगर यहाँ पर ये दो हुर्फ़ हाय, मख्तफी और नून गुन्ना अगर आता है तो
तो फिर वाव को अलग पढ़ना होता है हमको। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अगर हम दोनों को अलग पढ़े, हमने यहाँ पर पढ़े आबो हवा, ये तो एकदम मिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फना व बका, इसको आप मिलाकर पढ़ ही नहीं सकते। उसके बाद में माजी व मुस्तकबिल, तो वो अलग से पढ़ना पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये भी वाव अत्फ़ ही है, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नुन गुन्ना और हाय मक्तफी, तो हाय मक्तफी ये जो है तो हम अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सारे हाय के ताल्लुक से देखेंगे। ये अभी हम इस वीडियो को हमने स्पेशल वाव पे बनाया है। तो यहाँ पर है फना व बका, माजी व मुस्तकबिल, माह व नजूम, उसके बाद नेकी व बदी वगैरह, ये सब हो गए वाव, वावे अत्फ। आखिरी है इसमें वाव लेन, वाव की वो आवाज़ जो अलिफ या जेर की आवाज़ के बाद सुनाई देती है, उसे वावे वावलेन कहते हैं। अब ये बहुत ही थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होता है इसके अंदर। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर के चौक, तो चौक तो लिख दिए, लेकिन इसमें अलिफ जैसी आवाज़, तो ये च के बाद जो अ की आवाज़ निकल रही है हल्की सी, तो ये इसको ज़ाहिर करता है, जैसे चौक चौक। उसके बाद में हौज, खौफ, जौक, तो ये आप देख रहे हैं वाव के पहले हल्की सी अ की आवाज़ इसमें निकल रही है, तो यही वाव लेन है। ये जो पॉइंट है इसका काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें, ये बहुत बारीक है, इसको समझना। इंशाल्लाह कभी वक्त रहा तो इस पर और भी ज़्यादा मिसालों के साथ हम कोई डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो कॉल, गौस, मौत और यौम, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले अलिफ लगे हुए। तो ये वीडियो स्पेशल जो 3.2 है ये वाव के ऊपर है, और ये बेसिक ग्रामर है। इंशाल्लाह अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, तो आगे हम ज़माने, उसके बाद साबिक़े लाहिक़े देखेंगे, सनते उसमें ग्रामर में उर्दू के आ जाएंगे, और मुहावरे, और भी जो जो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कमेंट्स मुझे दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।